हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कांदा पोहा की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस, हेल्दी और इंस्टेंट बनने वाला स्नैक है, जिसे कि आप मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी टाइम खा सकते हैं। इवन टिफिन में भी पैक करके लेके जा सकते हैं। सभी को पता है कि ये जो कांदा पोहा है महाराष्ट्र की स्पेशल डिश है, तो इसको बनाएंगे भी हम उन्हीं के स्टाइल में। तो इसके लिए मैंने यहाँ पोहा लिया है, 2 कप मैंने पोहा लिया है, जिसे फ्लैटन राइस भी कहते हैं। और इसके लिए मैंने अनियन, धनिया, हरी मिर्च और करी पत्ता, और कुछ हम मिनिमम इसमें स्पाइसेस यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल रही हूँ काजू और किशमिश डाल रही हूँ। इसकी जगह आप मूंगफली, जिसको पीनट्स भी कहते हैं, वो डाल सकते हैं। और एक हम नींबू लेंगे। ओके, तो यहाँ सबसे पहला प्रोसेस जो है इसको वॉश करने का, किसको वॉश कैसे करना है। तो इसके लिए हमने बाउल के ऊपर एक छलनी रख देनी है, और उसमें जो जितना भी हमने पोहा बनाना है उसको डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, पहले इसको छान लेना है ताकि जो भी पाउडर हो वो निकल जाए अच्छी तरह से। और उसके बाद फिर ऐसे आपने छलनी के ऊपर ही पानी डाल के इसको अच्छे से वॉश करना है। इसको पानी में सोख करके वॉश नहीं करना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो महाराष्ट्र का जो पोहा होता है, कांदा पोहा, एकदम खिला खिला सा बना होता है। तो इसके लिए आपको ऐसे ही वॉश करना है। तो देखिए पानी कितना डर्टी आ गया है। तो 2 से 3 बार और हमने इसे वॉश करना है, ऐसे स्ट्रेनर पे ही रख के। और इसके बाद इसे स्ट्रेनर में ही रहने देना है ताकि जितना भी एक्सेस पानी है वो निकल जाए। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गैस के ऊपर मैंने रख दिया है फ्राई पैन, तो आप इसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं। तो देखिए गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है, और सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे मस्टर्ड ऑयल। तो आप जो भी ऑयल प्रेफर करते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल या ऑलिव ऑयल, जो भी यूज़ करते हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो मस्टर्ड ऑयल को गर्म करना है अच्छी तरह से, ताकि इसकी जो स्मेल होती है वो अच्छे से निकल जाए। तो इसमें सबसे पहले हमने जो काजू लिए हैं, टुकड़ा काजू मैंने लिए हैं, इसको फ्राई करेंगे। और आपने इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें जो कड़वा टेस्ट आने लग जाता है। और अगर आप काजू की जगह आप पीनट्स यूज़ कर रहे हैं, तो सेम वे में आपने उसे भी ऐसे ही फ्राई करना है। ओके, तो काजू के साथ किशमिश फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, उसे हम अनियन के साथ फ्राई कर लेंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है। तो बस इसको अब रखते हैं, ऐसे टिल्ट कर लेना है ताकि जितना भी एक्सेस ऑयल है वो निकल जाए, और जितने भी हमारे काजू हैं फ्राई किए हैं हमने, उसको किसी कटोरी में निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारे फ्राइड काजू निकालने के बाद सेम ऑयल में सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ब्लैक मस्टर्ड सीड, ये 1/2 चम्मच ही हमने ऐड करना है। और इसी के साथ हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच साबुत जीरा, और इन्हें अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है, और लो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं। ओके, तो उसके बाद हमने ऐड करेंगे 2 से 3 ग्रीन चिल्ली, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। और अगर आप थोड़ा और स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें रेड चिल्ली भी डाल सकते हैं, या ग्रीन चिल्ली और डाल देना। और इनको अच्छे से फ्राई करने के बाद हम ऐड करेंगे ये करी लीव। आज मेरे पास फ्रेश वाला था, जिसे कि वॉश करने के बाद आपने इसे खींच के निकालना है और ऑयल में अच्छे से फ्राई करना है। मोस्टली आपने देखा होगा कि मैं ड्राई करी लीव यूज़ करती हूँ, क्योंकि करी लीव जो है हमेशा अवेलेबल नहीं होता, लेकिन फ्रेश का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें जो 3 से 4 अनियन जो मीडियम साइज़ के थे, मैंने इसे स्लाइसिस में कट कर लिया था। और अगर आप चाहो तो इसे बारीक बारीक भी कट कर सकते हैं, अनियन का फ्लेवर आना चाहिए। लेकिन मुझे जो है थोड़े मोटे मोटे अनियन जो है पोहे में दिखाई देते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मुंबई स्टाइल में अगर आप बना रहे हो ना, तो उसमें भी अनियन जो ऐसे मोटे मोटे ही कट करके डालते हैं। तो देखिए अनियन हमारे 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो किशमिश हमने ली थी, और मैंने आपको बताया था कि इसको बाद में डालना है। तो बस आपने 2-3 मिनट अनियन को फ्राई करने के बाद इसे बस अनियन के साथ ही फ्राई कर लेना है, और ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। और अनियन का कलर जो आपने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। ओके, तो अब ऐड करेंगे इसमें 2 से 3 चम्मच मैंने चीनी ली थी। तो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो मत करना, लेकिन चीनी से जो पोहे का फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है, क्योंकि हम इसमें नींबू भी ऐड करेंगे, तो ये थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा और थोड़ा स्पाइसी जो पोहा है ना बहुत यम्मी लगता है। तो चलिए अब इसमें ऐड कर देते हैं 1/2 चम्मच हल्दी का, और कोई स्पाइसेस आपने नहीं डालने। मैंने अभी नमक भी ऐड नहीं करे, नमक हम इसमें बाद में डालेंगे। तो जो हल्दी है अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तो अब ऐड कर देते हैं जो पोहा हमने सोख करके रखा हुआ था, इसको ऐड करेंगे। और इसको जो है, आज मेरा जो पैन है थोड़ा सा मेरे लिए ये छोटा हो गया, इसमें थोड़ा सा पैन बड़ा लेना चाहिए था मेरे को, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट हो जाएगा।
और अब इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना, और हल्दी जो है और अनियन जो है अच्छी तरह से पोहे के ऊपर कलर आ जाना चाहिए। और अब ऐड कर देते हैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, मैंने 1.5 चम्मच इसमें नमक का जाएगा, और ऐसे आपने पूरा सभी तरफ स्प्रेड करके डालना है, एक ही जगह ना डाल देना, नहीं तो फिर इसमें मिक्स करने में मुश्किल होगी। और देखिए ऐसे आपने डालने के बाद इसे अच्छे से आपने मिक्स कर देना, बिल्कुल पानी ऐड नहीं करना है, ऐसे ही खिला खिला आपने पोहा बनाना है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ज़्यादा ईजी है ये पोहा बनाना, और बहुत जल्दी हमारा पोहा बन चुका है। और उसके बाद हम एंडिंग में ऐड करेंगे नींबू का रस, मैंने 1 नींबू लिया था जिसमें से 1/4 मैंने रख लिया था इसको डेकोरेट करने के लिए, बाकी जो है सारा नींबू का रस मैं इसमें ऐड कर दूँगी, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आता है खट्टा मीठे का। और उसके बाद बनने के बाद एंड में हम ऐड करेंगे हरे धनिए की पत्ती, बस उससे क्या है कि देखने में तो सुंदर लगेगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। तो देखिए कितना इंस्टेंटली हमारा जो है पोहा बनके रेडी हो चुका है, और 2 से 3 मिनट हम इसको ढक देंगे ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए और अच्छी तरह से हर चीज़ जो हमने डाली है उसका फ्लेवर आ जाए। और अब ऐड कर देते हैं जो हमने काजू फ्राई करते थे, ऐसे ही आपने स्प्रिंकल कर देने हैं, और बड़े क्रंची क्रिस्पी जो काजू हैं बहुत बढ़िया टेस्ट देंगे इसमें। अगर आप पीनट्स डालना चाहते तो ऐसे ही आपने पीनट्स यूज़ करने हैं। ओके तो बस सब चीज़ों को हमने मिक्स कर दिया है, और बस एंडिंग में हम डालेंगे ग्रीन धनिया। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि कितना इजी है इसको बनाना। तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या बाहर कहीं रहते हैं, हर रोज़ बाहर का खाना नहीं अच्छा लगता, तो इजीली वो अपने घर में ये बना सकते हैं, जहाँ भी रहते हैं हॉस्टल में या कहीं रूम लेके बाहर रहते हैं तो बना सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हेल्दी भी है और इजी टू मेक है, बहुत इंस्टेंटली बन जाता है क्योंकि बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो इसे बनाइए खाइए और टिफ़िन में भी पैक करके लेके जाइए, बहुत ज़्यादा सभी को अच्छा लगता है। तो बस अब ये तो किए, अब सर्व करने के लिए रेडी है, और इसे एक प्लेट लेंगे और उसमें सर्व कर लेंगे। तो इसे आप इमली की चटनी, टमाटो सॉस या फिर इसे दही के साथ भी खा सकते हैं, जिसके साथ भी आपने खाना हो बहुत ही जमी लगता है। और अगर कुछ नहीं भी डालना है तो भी ये ऐसे भी बड़ा स्वाद लगता है, क्योंकि इसमें हमने ऑलरेडी नींबू भी डाला हुआ है, थोड़ी चीनी भी डाली हुई है और थोड़ी मिर्ची भी डाली हुई है, तो सभी फ्लेवर जो है बहुत ही बढ़िया जो है हमारे पोहे को टेस्ट देते हैं। तो ऐसे मैंने 2 ग्रीन चिली रख दी हैं और थोड़ा सा मैंने नींबू रख दिया है, ताकि अगर चाहो तो आप इसमें मिक्स करके खा सकते हो। और थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें टमाटो सॉस। डेकोरेट हो गई हमारी पूरी प्लेट, सज के तैयार हो गई है खाने के लिए। तो कितना टेम्पटिंग लग रहा है, तो देर किस बात की, आप भी ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करना। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना मत भूलना। ओके तो इस पोहे को आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, जहाँ सर्व करने टाइम इसके ऊपर थोड़ा सा आलू भुजिया या बेसन का भुजिया डाल के भी सर्व कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड्स ऐसी टेस्टी और हेल्दी रेसिपी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन के साथ कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप स्किप ना कर सकें। ओके तो यही करते हैं वीडियो का एंड, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।